भाई क्या कर रहे हो? तारक मेहता देख रहा हूँ। पॉपकॉर्न के बिना? तारक मेहता में कौन पॉपकॉर्न खाता है? फिर भी पॉपकॉर्न तो बनता है ना। तो ठीक है, तू बना के लेकर जा। नहीं, आज तुम बनाओगे। तो चलो भाई, कंटेंट के लिए कुछ भी। आज हम लोग बनाएंगे पॉपकॉर्न और तारक मेहता देखेंगे। चलो भाई पहले ले कर लो। तो भाई एक इंट्रो हो जाए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और गाइस, मैं हूँ अपने स्टूडियो में। और गाइस, ये लोग मुझे तारक मेहता देखने ही नहीं देते। तो चलो भाई कुछ काम कर लिया जाए। आज हम लोग बनाएंगे पॉपकॉर्न मेरे स्टाइल से, आप लोग दिखाना और आप लोग जो है जरूर बनाना इसको। चलो भाई चलते हैं। तो भाई पहले पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम लोग ऑब्वियसली हम लोग लेंगे एक पैन, और उसके बाद हम लोग लेंगे बटर। ये बटर की पूरी टिक्की हम लोग इसमें डालेंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई। ओके, हम लोग जो है पहले जो है पैन को जो है ऑन कर देंगे। ऑन हो जा। हाँ, ऑन नहीं हुआ भाई। ठीक, अभी ऑन हो गया पैन। तो भाई अभी डालेंगे बटर। और कितनी निकल जा भाई तू। और भाई बटर बहुत ज़्यादा घट है, और मैं इसमें जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर जो है इसमें मैं डालूंगा। तो भाई मैंने यहाँ पे लिया है एक एक्शन पैक पॉपकॉर्न का। चलो भाई इसको पूरा डाल डालते हैं। इसको मत दिखाना गाइस। बहुत ज़्यादा शिद्दतों के बाद हम लोगों ने इसको खोल लिया है, और पॉपकॉर्न दिखे आप लोग इसके अंदर। चलो गाइस अभी डालते हैं पॉपकॉर्न। कभी देखा नहीं क्या लोगों ने? एक सिनेमैटिक लेंगे इसका। चलो गाइस इसको अभी हम लोगों ने डाल दिया है। और तो गाइस इसको डालने के बाद जो गाइस अभी पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसको डालने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैन का लिट है इसको इसके ऊपर मूस देंगे। Guys, it's pounding. भाई भर गया है भाई। ओ भाई खुल रहा, ऑटोमेटिक खुल रहा है भाई। ये तो गाइस फाइनली बन के रेडी हो चुका है। गाइस अभी मैं इसको खोल दे रहा हूँ। अभी भी जो है गर्म है, अभी भी जो है उधर पॉप कर सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आप लोग इसको ऐसा बिल्कुल मत करना, करते नहीं खोलने का। ओ भाई आप लोग देखिए भाई कितना भरा हुआ है। ओ भाई आप लोग देखिए इसको। तो चलो गाइस अभी जो इसको भाई इस चीज़ से मूछ ही नहीं रहा, उतना भर गया है इसके। तो चलो गाइस अभी जो इसको हम लोग डालते हैं। तो गाइस हम लोग अभी इसमें ऐड करेंगे पिरी पिरी मसाला। और यहाँ पे आ जाइए, ये जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। पहले हम लोग जो इसको ऑफ इसमें इसमें डाल देंगे। ओ भाई इसको अभी हम लोगों ने खोल लिया। हम लोग अभी क्या करेंगे इसको गाइस, हम लोग जो है आधे पॉपकॉर्न हम निकाल लेता, और कुछ हम लोग जो इसको ऐसे स्प्रिंकल करेंगे। इसको देखिए आप लोग, सो कैसे मैंने स्प्रिंकल किया है गाइस। पूरा पैकेट मैंने खाली कर दिया। तो गाइस अभी जो है मैंने इसको स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से हम लोग इसको शेक करेंगे। गाइस सब बता रहा हूँ गाइस, आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ करना, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये ले तेरा पॉपकॉर्न, चल इसको ट्राई करते हैं। पॉपकॉर्न तो हो गया, अभी पीने के लिए कुछ? पीने के लिए चाहिए तुझे अभी? हाँ लगता है तारक मेहता देखी नहीं देगी। तो चलो भाई कुछ पीने के लिए बना लेते हैं। हम लोग पीने के लिए बनाएंगे ओरियो मिल्क शेक। तो चलो बनाते हैं। ये रहा हमारा जार, और चलो हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे आ जाओ। ये रहा हमारा जार, हम लोग इसमें डालेंगे ओरियो बिस्किट। मैं जो इसमें 3 पैकेट बिस्किट डाल रहा हूँ, और
ये हमारा 3 बिस्किट, और हम लोग जो इसमें 2 बिस्किट अलग रख लेंगे, क्योंकि जो हम लोग इसको लास्ट में डालेंगे। और चलो भाई डाल देते हैं। इसको डालने के बाद जो है चीनी आप लोग ऑप्शनल हो जाता है, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है इसमें थोड़ा सा चीनी डाल रहा हूँ, आप लोग कह जाइए आप लोग डाल सकते हो, आप लोग चाहिए तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। मैंने जो है थोड़ा सा जो चीनी डाल दिया है। हम लोग अभी इसमें डालेंगे 500 ml मिल्क, ये बहुत ज़्यादा चिल्ड मिल्क है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग चिल्ड मिल्क इस्तेमाल करें। आप लोग जो है मिल्क को जो है ऑफ वन आवर या फिर 1 आवर के लिए इसमें रख दें फ्रिज में, तो जो है फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो गाइस अभी जो है हम लोग इसको ग्राइंड करते हैं, उसके बाद रखेंगे आपको। तो गाइस अभी हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, और आप लोग इसको देखिए। तो चलो गाइस अभी हम लोग इसमें इसको डालते हैं। तो इसको जो है हम लोग इस तरीके से इसमें डालेंगे। डालने के बाद जो है अगर आप लोगों के पास चम्मच है तो आप लोग जो है ऊपर से जो है जो इसका जो फ्लेवर है उसको आप लोग इसको इसके ऊपर डाल सकते हो, जिससे जो है टेस्ट हमको आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और तो गाइस आप लोग इसके बाद गाइस आप लोग वेनिला आइसक्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास अभी वेनिला आइसक्रीम नहीं है, तो मैं जो है इसमें इसको मैंगो इस्तेमाल कर रहा हूँ। वेनिला से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है, तो आप लोग जो है वेनिला आइसक्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग कोई भी इस्तेमाल कीजिएगा। अभी हम लोगों ने आइसक्रीम अच्छे से डाल लिया है, इसके ऊपर जो है एक छोटा सा जो है अच्छा लुक देने के लिए हम लोग इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड किए हुए बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट्स, जिसको हम लोग जो है अच्छे से इसको डाल लेंगे कुछ इस तरीके से। और गाइस ये हो गया हमारा रेडी। तो गाइस ये रहा हमारा मिल्क शेक, जो बहुत ज्यादा अच्छा बना है। गाइस बहुत ज्यादा अच्छा बना है, और इसमें आइसक्रीम भी है। और गाइस चलो गाइस पॉपकॉर्न खाते हुए हम लोग देखते हैं तारक मेहता। ऑटो दे दो। हाँ भाई ऑटो दे देना है। तो अभी आती है ऑटो की बारी। तो गाइस आपको ये व्लॉग ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, अगर आप लोग अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टर्न ऑन बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम एवरी अपडेट्स। तारक मेहता देखना है।